हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग विज़िट करने वाले हैं दुधवा नेशनल पार्क, और कितना खर्चा पड़ता है, कितने की टिकट है, कितनी दूर है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग इसी, ये जो पीछे गाड़ी खड़ी है, इससे जाएँगे गेट तक, और गेट से मैंने गाड़ी बुक कर रखा है सफारी, वहाँ से आगे निकलेंगे। तो गाइज, हम लोग आ गए हैं दुधवा नेशनल पार्क के गेट पर, और यहाँ से गाड़ी बुक है हमारी सफारी, उससे जाएंगे और अंदर घूम के आएंगे। ये देखिए पीछे गेट रहा, यहीं पे हम लोग को चलना है, और उसके बाद में अभी म्यूज़ियम देखते हैं थोड़ा सा, और फिर अंदर चलते हैं। ये भी देखिए अंदर रास्ता जा रहा है, कितना प्यारा सा। आर्टिफिशियल है मगर अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, खींच रहे खींच रहे खींच रहे। हिरन है, गंदर है, बड़ा बीमार कोई लगा। आर्टिफिशियल वाटर ना, नहीं बनाया हुआ है ये, बंदर है। जानवरों में पानी पीने के लिए ना। चलो, ये लकड़ी का पुल, टूटेगा तो नहीं है लकड़ी का।
अंदर नहीं जाइएगा ज्यादा, ज्यादा अंदर ना जाओ। अंकल जी को रोको, उधर ना जाओ। पापा चलो चलो चलो, सोनाली पुल गेस्ट हाउस है। वो है ना दूर, वो जा रहा पार कर रहा है इधर को ना, सुअर बच्चे हैं वो, दिख रहा है बहुत सारे बेचार है। 18-20 बच्चे होते हैं। तो दोस्तों घूम फिर के तो हम लोग वापस आ गए घर पे, और इसमें जो टोटल कॉस्ट पड़ा वो करीब करीब 4000 के आसपास पड़ा, और अगर आप इसकी ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो वो 5000-5500 के आसपास पड़ता है। लोकल का होने का ये बेनिफिट है थोड़ा सा, जो बाहर से ही बुक कर लेते हैं उनका, अगर आप ऑनलाइन जाके बुक करते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि मैंने क्वेरी किया था तो वो थोड़ा सा कॉस्टली था, लगभग 1500 रुपये का अंतर था। तो 4000-4500 रुपये में आप घूम फिर करके अच्छे से आ सकते हैं, और एक सफारी पे 6 लोगों का लेके जाने का सिस्टम होता है, 6 सीटें होती हैं, तो 6 लोग बैठ के जा सकते हैं आसानी से और घूम के आ सकते हैं। घुमाता भी अच्छा खासा है। हम लोग 2:30 बजे एंट्री कर लिए थे, और 2:30 बजे एंट्री करने के बाद हम लोगों का जो घूमने का टाइमिंग था वो करीब करीब 2.5 घंटे का था, तो 2.5 घंटे तक हम लोग वहाँ पे घूमे, थोड़ा बहुत इधर उधर रुके भी, चाय वगैरह भी पिए, जहाँ पे हाथी वगैरह दिखी थी वहाँ पे चाय वगैरह भी पिए। तो 15-20 मिनट ऐसे मान सकते हैं, मतलब 2 घंटा 20 मिनट 2 घंटा 25 मिनट के आसपास इसने ट्रैवल कराया है। हाँ, और अगर आप जाड़े टाइम में आ रहे हैं तो बहुत ठंड लगती है, चीज़ें ले लीजिएगा ओढ़ने की, अच्छी गर्म चीज़ें, क्योंकि उसमें फिर बच्चे, औरतें और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनसे ये ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, काफ़ी भयंकर वाली ठंड होती है, तो अंदर का टेम्परेचर एकदम गिर जाता है, तो आप लोग इस चीज़ से अवेयर रहिएगा, थोड़ा सा गर्म कपड़े लेके आइएगा।
तो देखते रहिए वीडियो को और लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिए।